मानवी जीवन सुखकारक करण्यासाठी विविध आध्यात्मिक संस्था संघटना प्रयत्न करताना दिसतात. स्थानिक बहाई आध्यात्मिक संसद त्यापैकीच एक असून या संस्थेच्या वतीने रविवारी अध्यात्मावर चर्चा सत्राचं आयोजन करण्यात आले होते. आध्यात्मिक विचार मंथन करताना मानवी सेवा हीच ईश्वरी सेवा असल्याचा संदेश देण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. समाजातले विचारवंत बुद्धिजीवी वर्ग एकत्र करून प्राचार्य नगरसेवक सरपंच आदींसह हे चर्चासत्र भरवण्यात आले होते असे संस्थेचे संचालक हर्ष सद्गिरे यांनी सांगितले. आज आपण इथे शिवाजीनगर भागामध्ये इथे इंदिरा गांधी प्राथमिक विद्यालयामध्ये प्राचार्य नगर सेवक आणि सरपंच यांच्यासाठी एक मेळावा आयोजित केला होता. ह्या मेळाव्याचं आयोजन नाशिक स्थानिक बाह्य आध्यात्मिक संस्थेतर्फे करण्यात आलं आणि हा अशा प्रकारचा पहिलाच मेळावा आहे जो नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे आणि भविष्यातही असा मेळावा आयोजित करण्यात येईल. याचा प्रमुख उद्देश मेळाव्याचा असा होता की वैयक्तिक जीवनात तसेच सामाजिक जीवनामध्ये समाजाच्या विकासासाठी आध्यात्मिक विकासासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय असावी जेणेकरून समाजाचाही विकास होईल आणि त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींच्या आध्यात्मिक विकासामध्ये कशी मदत होईल त्याविषयी चर्चा करण्यासाठी ह्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि भविष्यातही नाशिकच्या इतर भागांमध्ये सुद्धा असा मेळावा आयोजित करण्याचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि ज्याच्यामध्ये अधिकाधिक प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्याचा स्थानिक बाह्य आध्यात्मिक संसदेचा मानस आहे. अशा प्रकारचा मेळावा हा पहिल्यांदाच आयोजित झाला आहे का? हो, अशा प्रकारचा मेळावा हा आपल्या नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेला आहे नाशिक बाह्य आध्यात्मिक संसदेतर्फे आणि पुढेही आपण अधिकाधिक लोकप्रतिनिधींना ह्या अशा प्रकारच्या मेळाव्यामध्ये आमंत्रित करणार आहोत आणि त्यांच्या बरोबर सुद्धा अशा प्रकारचे चर्चासत्र आपण आयोजित करणार आहोत. नाशिकसह महाराष्ट्रात आणि जगभर बाह्य समुदायाचे कार्य सुरूच आहे. अध्यात्माची सेवा देताना सर्व मानव जातीत ईश्वरी अवतार असल्याचे संचालक सुमित सिंग यांनी यावेळी सांगितले. ये जो कार्यक्रम है ये हमारे जो नाशिक की बाह्य स्थानिक आध्यात्मिक सभा है उसकी तरफ से हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं जो बहाई धर्म है ये एक नवयुग धर्म है जो पूरी मानव जाति की एकता में विश्वास करता है. जितने भी ईश्वरीय अवतार हैं धरती पर ये मानता है बहाई धर्म कि सब एक ही ईश्वर से आए हैं और जितने भी मानव हैं सब लोग एक हैं और इसी पर वो कार्य कर रहे हैं. पूरे बहाई लोग पूरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं और ये युग जो है ये युग कर्म का युग है जो बहावला बताते हैं कि सिर्फ हमको आध्यात्मिक नहीं होना है, आध्यात्मिक के साथ साथ हमें कार्य भी करना है और हम विश्वास करते हैं जो आध्यात्मिक कार्य है वो पूरे मानव जाति की सेवा के लिए है. तो जो पूरी बहाई समुदाय है पूरी दुनिया में और अभी हम अगर नासिक की बात करें तो नासिक के जो बहाई समुदाय है वो कार्य कर रहे हैं पूरे नासिक के जो छोटे बच्चे हैं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए, जो किशोर युवा हैं उसके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो वयस्क हैं जो बुजुर्ग हैं उनकी भी आध्यात्मिक उनकी आध्यात्मिक कक्षाओं का आयोजन करते हैं, उनके साथ कुछ आध्यात्मिक लेखों को पढ़ते हैं और वो कैसे अपने जीवन में उतारें, यानी जो भी वो कार्य कर रहे हैं कैसे वो अपने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को कैसे संतुलित करें उस पर कार्य कर रहे हैं. और ये जो कार्यक्रम है ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो बहाई लोग कर रहे हैं मानव जाति के उत्थान के लिए उनको अभी लगता है कि वो अकेले नहीं कर सकते, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको मिलकर कार्य करना है. और फिर ये खास करके ये जो कार्यक्रम हुआ जिसको हम लोग कहते हैं नगर सेवक सरपंच और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके लिए गैदरिंग है, मतलब उन सबके साथ मिलकर अभी हमें करना होगा. जो समाज के जो ऐसे लोग हैं जो जाने माने लोग हैं जो लोग प्रभावित करते हैं लोगों को उनके साथ मिलकर, तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्थानीय आध्यात्मिक सभा की तरफ से ताकि साथ में एक मंच पर आएँ, एक साथ अध्ययन करें और समझें अपनी अपनी भूमिकाओं को कि कैसे हम मानव जाति की सेवा और अच्छे रूप में कर सकते हैं, ये ना जानते हुए कि कोई किसी जात का है या किसी धर्म का है या किसी पार्टी का है. ये उद्देश्य है. नासिक से कितने अभी आपके साथ जुड़ चुके हैं लोग इस कार्य में? अभी अगर इस तरह से तो बताएं तो हज़ार से ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं साथ में, जो सेवाएं दे रहे हैं एक मानव जाति के उत्थान के लिए और उनके साथ जो उनके परिवार हैं वो लोग भी सेवाएं दे रहे हैं. अगला क्या है आपका अगला एजेंडा क्या है इसके ये कार्यक्रम के बाद? हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरी मानव जाति को एक होना चाहिए, एक छत्रछाया के नीचे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के हों किसी भी धर्म के हों, सबको एक साथ मिलकर सिर्फ हम एक मानते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष हैं,
फ़र्क नहीं पड़ता है हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, सबको एक साथ आना चाहिए और पूरी मानव जाति के लिए सेवा करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। या चर्चा सत्रात विविध वक्त्यांनी आपले विचार मांडले। जगात सुधारणा करण्याची हीच वेळ असून त्यासाठी मानव जातीची स्थापना होणे गरजेचे आहे। बाही समुदायाकडून हाच प्रयत्न केला जातो आहे। सर्वांना एकत्र घेऊन विचारांची देवाणघेवाण करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो, असे अफसाना मोतीवाला यांनी स्पष्ट केले। मैं एक बहावला के एक कोटेशन से शुरुआत करती हूँ कि जगाची सुधारणा पवित्र उत्तम कृत्य द्वारे स्तुति और सूर्यों के वर्तना द्वारे सद्य के लिए जाऊ सकते। तो अगर दुनिया की सुधार लाना, दुनिया में सुधार लाना है, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, खास करके जो लोग पथ पे हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ ली है समाज में। इसीलिए स्थानीय आध्यात्मिक सभा की तरफ से हम सब कुछ लोगों की जो जैसे कॉरपोरेटर्स हैं, जैसे सरपंच है, 7 गांव के सरपंच को बुलाए थे, कॉरपोरेटर्स को बुलाए थे कि हम सब बैठ के विचार विमर्श करें कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिल के ये दुनिया को, ये जो हमारी जगह है, जो जो अभी जहाँ भी सेवा दे रहे हैं वो उसको सुधार सके। और हमारे सोच एक हुए बिना हम दुनिया में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो हम मानते हैं कि भगवान बहाउल्लाह ये धरती पे प्रकट हुए मानव जाति की एकता को स्थापित करने के लिए। और बहुत ही सुंदर गैदरिंग था जहाँ हम बहुत विचार विमर्श किए और ये सिद्धांत पे जो प्रामाणिकता, ट्रूथफुलनेस और बहुत सारे गुणों के ऊपर हमने विचार विमर्श की है, लोग सब जो प्रेजेंट है। और हमारे जो विचार है थोड़ा सा विस्तार में हम एक दूसरे के साथ शेयर किए। और ये पहला है लेकिन आखिरी बार नहीं है, हम बहुत ऐसे प्रोग्राम्स करने वाले हैं जहाँ जो जो लोग समाज की जिम्मेदारी लिए है हाथों में, उनको हम बोला कि उनके साथ ये पढ़ने वाले ये नतीजे। नगर सेवक रविंद्र धिवरे, ज्योति दिनकर पाटील, भगवान गबाळे, विलास खांडखोरे, राहुल पाटील, दत्तू चगळे, पुष्पा जाधव, रघुनाथ दिवे, मोहित सर, मगर सर, अनिल पाटील सर आदि मोठा जनसमुदाय यावेळी उपस्थित होता। तू जानता है मुझे, तू देखता है मुझे, तू जानता है मुझे, तू ही है मेरा आश्रय और मेरी शरण, बहुत दयालु है मेरे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, जोर किसी अन्य को न चाहूंगा, तुझे जोर किसी अन्य को न हेमंत काळमेघ, भूषण कुलकर्णी, न्यूज इंडिया 27, नाशिक।